दोस्तों देखा जाए, हम लोग परीक्षा पॉइंटर कर रहे हैं, यानी कि एक करंट अफेयर आपको मिल जाएगा अप टू नवंबर तक। नवंबर तक अगर देखा जाए करंट अफेयर आपको, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, आरओएआर हो गया, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग बहुत सारा इसमें पॉइंट कर लिए थे। देखा जाए अभी हम लोग कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस टेक से भी क्वेश्चन आता है। ये पॉइंटर है, इसका डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस हम लोग यहाँ पे फिर से एक तरह से रिवीजन और नवंबर माह को कवर करने के लिए ये हम लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। जैसा जा देखा जाए यहाँ पे 30 नवंबर से 3 दिसंबर को मध्य, यानी कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 प्रस्तावित किया गया। और ये देखा जाए कहाँ पे किया गया, आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। यहाँ पे प्रस्तावित है कि 30 नवंबर से लेके कहाँ तक, 30 दिसंबर तक ये चलेगा, यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव और आईआईटी गुवाहाटी में चलेगा, आईआईटी गुवाहाटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि रेसेंट आपका है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा देखा जाए, नवंबर 2024 में ही भारत का जी सेट यानी कि 20 फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से इसरो और इस संगठन के माध्यम से प्रक्षेपित किया, यानी कि स्पेस एक्स भेजा गया। स्पेस एक्स का चर्चा काफ़ी देखा जाए कहाँ पे, मतलब आपके न्यूज़ वगैरह में था, तो स्पेस एक्स कहाँ से भेजा गया, फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से भेजा गया स्पेस एक्स। हाल ही में मोटेरे यानी कि एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि MBIRI के शोधकर्ताओं ने खोजा चमकता हुआ समुद्री स्लैग। चमत्र यह मतलब स्लैग खोजा और चमकता हुआ, और यह कहाँ के बाथी बाथी देवियस यानी कि कैडा कटलास इसका नाम है, तो ये खोजा गया है, ठीक है। यानी कि मोंटेरे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चमकता हुआ समुद्री स्लैग खोजा गया। अब देखा जाए नवंबर 2024 में चीनी चीनी वैज्ञानिक ने 4 जेब्रा मछलियों को बंद परिस्थिति तंत्र में अंतरिक्ष में उनका जीवन चक्र पूरा करवाया, और सेन झोंग झोंग 18 मिशन है उसी के तहत ये काम किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, झांग E6 मिशन जो है चंद्रमा पर नमूने एकत्र करने में सफलता प्राप्त कर ली है। मिशन कहाँ का है, ये मिशन आप जान ही रहे नाम से कहाँ पे है, चीन का है, ठीक है। सेन झोंग 18 मिशन है, और चंद्रमा पे कुछ मतलब नमूने इकट्ठा कर लिया है, और ये कहाँ का है, चीन का है। नवंबर 2024 में दुबई ने अपने पहले एरियल टैक्सी यानी कि वर्टियोट का निर्माण किया, और दुबई हवाई अड्डे के पास किया गया एरियल टैक्सी वर्टियोट का निर्माण किया गया, कहाँ पे, दुबई में किया गया। एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक का कार्प ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का सफलतापूर्वक संचालन किया। यह देखा जाए नवाचार AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और 5G दोनों कार्य एक साथ करने की अनुमति देता है। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यानी कि RAN कहा जाता है, AI RAN कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहा जाता है, AI RAN। तो इसके तहत मतलब दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अक्टूबर देखा जाए, अक्टूबर 2024 के केंद्रीय बंदरगाह यानी कि जल जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री सर्वनानंद सोनेवाल ने भारत क्रूज मिशन का शुभारंभ किया, और ये कहाँ, मुंबई बंदरगाह से किया, मुंबई बंदरगाह से किया। अक्टूबर 2024 में मारवर्ग यानी कि वायरस को
प्रकोप से सूचना दी और एक रवांडा द्वारा दिया गया, यानी कि अक्टूबर 2024 में मारवर्ग वायरस को प्रकोप से सूचना देने के लिए कहाँ पे रवांडा द्वारा किया गया। भारत की पहली प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि प्रदूषण नियंत्रण पोत का गोवा के तट पर जलावतरण किया गया और एक समुद्री प्रताप है। और ये क्या है, एक मतलब प्रदूषण नियंत्रक है, एंटी पॉल्यूशन है, समुद्र प्रताप। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में अपने दूसरे परमाणु पनडुब्बी को वो सम्मिलित किया, यानी कि विशाखापट्टनम दूसरे परमाणु जो पनडुब्बी का सम्मिलन किया आरएनएस अरिजट को यहाँ पे भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया और विशाखापट्टनम में। आगे चलते हैं, भारतीय बायोटेक यानी कि इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिग्नल स्ट्रेंट ओरल हैजा यानी कि ओरल हैजा वैक्सीन यानी कि OCV लॉन्च किया और हिलकोल ने इसे लॉन्च किया, यानी कि BB-131 यानी कि हिलकोल BB-131 किससे रिलेटेड है, हैजा वैक्सीन से रिलेटेड है। भारत का पहला पुनः प्रयोज यानी कि हाइब्रिड रॉकेट जो चेन्नई के थिरुविद्दई से लॉन्च किया गया, ये रूमी फर्स्ट है, यानी कि थिरुविद्दई कहाँ से लॉन्च किया गया, रूमी फर्स्ट है। और कहाँ से, थिरुविद्दई से लॉन्च किया गया, ये पहला प्रोजेक्ट हाइब्रिड रॉकेट है जो चेन्नई के थिरुविद्दई से लॉन्च किया गया। भारत के दूसरे स्वदेशी यानी कि 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू कर दिया, जो कहाँ पे है, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ के, गुजरात से लॉन्च किया गया, मतलब स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, ये मतलब स्वदेशी मेड है, यहाँ कार्य करना स्टार्ट कर दिया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV-T3 के द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया और एक EOC-8 क्या है, इसका नाम है पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह कहा जाएगा, यानी कि आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है DRDO ने भारतीय वायु सेना के सुखई 30 को MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च रेंज यानी कि ग्लाइड बम जो LRGB का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया और ये गौरव बम है और ये सुखई के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए बनाया गया और ये सफलतापूर्वक कर लिया गया गौरव बम। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत में कुल वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए यानी कि 2.33 मिलियन हेक्टेयर, ये इतने हमारे पास क्या थे जो बंद थे, ये नष्ट हो गए 2000 के बाद 2.33 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। हाल ही में श्रीलंका स्थित यानी कि मताला विमानपत्तन की 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन जिम्मेदारी जो प्रदान की गई, ये भारत और रूस के संयुक्त उद्यम को मिला। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दूषित रक्त घोटाला को जिस देश की सरकार द्वारा छुपाया गया, यानी कि जो पॉल्यूटेड रक्त घोटाला था उसके लिए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा छुपाया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से ऐसी घटना ऐसे कंट्री में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए यानी कि डिजाइन की गई विश्व की सबसे बड़ी सुविधा यानी कि मैमथ
मैमथ को परिचालन शुरू किया गया। ये मैमथ कहाँ पे परिचालन किया गया? आइसलैंड में शुरू किया गया। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत का गोवा के तट पर जलावतरण किया गया। ये समुद्र प्रताप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्र प्रताप। ये एंटी पॉल्यूटेंट क्या है? एक हमारे पास पोत है जो कहाँ से लॉन्च किया गया, कहाँ पे उतारा गया? गोवा के तट पे उतारा गया और इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप है। भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में अपने दूसरे परमाणु पनडुब्बी को शामिल किया गया और ये क्या? INS यानी कि अरिजीत है, INS अरिजीत है। तो भारत यानी कि बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सिंगल स्ट्रेन ओरल है जय यानी कि OCV लॉन्च किया गया और हिलकोल है ये OCV, फिर से रिपीट हो गया, और इसका नाम CBBV और 131 है। भारत का पहला पुनः यानी कि प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो चेन्नई का है यानी कि थिरुविंद्रई से लॉन्च किया गया, रूमी फर्स्ट है। भारत के दूसरे स्वदेशी जो 700 मेगावाट ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना प्रारंभ किया, ये ककरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पे? गुजरात से है। फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको आगे हम बढ़ जाते हैं क्योंकि अब इसमें देखा जाए ये पूरा जो दूषित ब्लड घोटाला है यूनाइटेड किंगडम का है, इससे इसमें रिपीट कर दिया गया है और ये मैमथ हो गया। और यहाँ से आप देखते हैं भारतीय मार्वर्स वायरस रवांडा का है। और यहाँ से अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की मंत्रिमंडल समिति ने मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दिया गया और ये आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के नागथलंका गांव में एक किया गया। और यहां पे नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया जाएगा और आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिला के नागथलंका गांव में, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत में दिल्ली विविधता के लिए दूसरे सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। यानी कि अक्टूबर 2024 में चीन द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्री यानी कि 2 पुरुष 1 महिला के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी की निचली कक्षा के अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ली यांगोंग यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 6 महीने के मिशन पर गया और सेंजोई 18 हमने पढ़ा और एक सेंजोई 19 है। हाल ही में इसरो यानी कि श्री हरि कोटा ध्रुवी उपग्रह जो प्रक्षेपण यान है PSLV C-58 से एक्सरे यानी कि पोलेरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्स पोर्ट्स को अध्ययन के लिए इच्छित कक्षा के में सफलतापूर्वक प्रेषित किया और ये ब्लैक होल एवं न्यूट्रॉन यानी कि नक्षत्रों के अध्ययन के लिए किया गया। हाल ही में नारियल के विकसित बौनी किस्म यानी कि हाल ही नारियल के विकसित बौनी किस्म जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नारियल की जो बौनी किस्म है कल्पा सुवर्णा नारियल की जो छोटी प्रजाति है मतलब हाइट में कल्पा सुवर्णा है। वायरस जिसके कारण गुजरात में बच्चों की मृत्यु हुई, चांदीपुरा वायरस के कारण गुजरात में बच्चों की मृत्यु हो गई थी। भारत के केरल स्थित टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन लगाया गया और ये पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है और इसमें देखा जाए बिजली बनाने के लिए पवन टरबाइन लगाई गई। हाल ही में 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जारी किया गया और ये जापान द्वारा जारी किया गया 3D, और बेसिकली देखा जाए 3D करेंसी है और ये जापान के द्वारा लॉन्च किया। हाल ही में DRDO द्वारा मौसम के पूर्वानुमान हेतु विकसित नए यानी कि लीडार तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा यानी कि मेघ सूचकांक के द्वारा। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि जो हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी न्यू स्पेस यानी कि इंडिया लिमिटेड जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, इसे मुनाल उपग्रह बोला जाए इसे मुनाल उपग्रह बोला जाता है। हाल ही में डॉक्टर द्वारा विश्व के पहले mRNA फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया, जिसका नाम है यानी कि BNT116 और BioNTech द्वारा, ये BioNTech द्वारा ये BNT116 बनाया गया। यानी कि हाल ही में डॉक्टर विश्व के पहले mRNA फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण कर दिया गया और BNT116। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI में महामारी यानी कि तैयारी नवाचन गठबंधन, जिसमें CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी यानी कि प्री क्लिनिकल नेटवर्क यानी कि फैसिलिटी, जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, का उद्घाटन किया गया। और ये देखा जाए कहाँ पे किया गया, फरीदाबाद में किया गया। यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी THSTI में महामारी तैयारी यानी कि नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी यानी कि प्री क्लिनिकल नेटवर्क यानी कि फैसिलिटी लॉन्च किया गया, फरीदाबाद में किया गया। अब जाते आगे आते हैं यानी कि विश्व का जो प्रथम दोहरे टावर वाला और तापी विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है चीन के ग्रांसू प्रांत में। यानी विश्व का प्रथम दोहरे टावर वाला तापी विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और चीन के गांसू प्रांत में किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक का गुजरात के हाजिरा में अनावरण किया, यानी कि जोरावर टैंक के द्वारा किया गया। यानी कि जोरावर टैंक क्या है, रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक का जो गुजरात में हाजी में अनावरण किया, इसका नाम जोरावर टैंक है। हाल ही में परमाणु खनिज यानी कि अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय AMD ने लिथियम संसाधन की उपस्थित मिली और कर्नाटक के मांडुवा में लिथियम का ये मतलब रिजर्व मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एम पॉक्स का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण किट का निर्माण की मंजूरी मिली, जिसे हम लोग सीमेंस हेल्थीनियर को मिला। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ऐसा शुरू किया। 5 जून मतलब पर्यावरण मतलब दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 यानी कि राज्यों को इस क्षेत्र में खनन यानी गतिविधियों को शुरू करने से रोक दिया गया। और ये देखा जाए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में रोक दिया गया। यानी कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्यों के इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों शुरू करने से रोक कर दिया गया। और ये 4 राज्य कौन है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात। हाल ही में भीषण सूखे व गर्मी के कारण सूख जाने वाली कावेरी की सहायता नदी जो है वो लक्ष्मण तीर्थ नदी है, और ये देखा जाए पूरी को पूरी तरह से सूख गई है। और कावेरी की एक सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कावेरी की कौन सहायक नदियां हैं, तो उसमें लक्ष्मण तीर्थ का नाम आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भीषण सूखे और गर्मी के कारण पूरा सूख गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया, और ये कहाँ गया, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। और हिमाचल प्रदेश में नाथपा यानी कि झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में किया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।
और ये हिमाचल में है और ये नाथपा यानी कि झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के भीतर चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा गया, ये कौन सा कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। ये उड़ीसा के कोरापुट जिले स्थित वन को राज्य के चौथे यानी कि जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ये क्या है? गुप्तेश्वर वन को मिल गया, यानी कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, गुप्तेश्वर वन के द्वारा मिला गया। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जनरल प्रकाशित यानी कि N2O उत्सर्जन के मामले में 2020 में सर्वाधिक उत्पादक केंद्र है, जिसमें चीन है 16.7% के साथ, भारत 10.9% के द्वारा। अर्थ सिस्टम साइंस द्वारा जनरल ऑक्सीजन प्रकाशित एक N2O उत्सर्जन करने वाला जो देश है तो ये चीन है सबसे पहला, दूसरा क्या है? भारत है। दूसरे नंबर पे भारत है। नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या यहाँ पे उत्सर्जित करने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में 10 वर्षीय यानी कि ब्लू रेजिडेंसी यानी कि वीजा सुविधा लॉन्च किया गया, और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये लॉन्च किया गया ब्लू रेजिडेंट वीजा। हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित वन्य जीव अभयारण्य में भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा M-17 और V-5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया, और बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में आग लग गया था उसके द्वारा यहाँ पे अभियान चालू किया गया। MI-17 और V-5 हेलीकॉप्टरों द्वारा ये आग को कंट्रोल करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एशियन किंग गिद्ध यानी कि एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला परीक्षण संरक्षण गिद्ध के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया, और यह महाराजगंज जिले में किया गया, महाराजगंज जिले में ये किया गया। गिद्ध यानी कि एशियन गिद्ध मतलब वल्चर जो होता है उसके प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए कंजर्वेटिव। भारत का प्रथम डार्क स्काई पार्क है, जो डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व में है, पेंच टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क बनाया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से 2020 तक वन्य क्षेत्र के वृद्धि के मामले में भारत का स्थान जो है वन्य क्षेत्र के वृद्धि के मामले में ये तीसरा है, भारत का तीसरा स्थान है वन्य क्षेत्र वृद्धि के लिए, ठीक है। और देखा जाए इसमें जैसे भारत का तीसरा स्थान है तो इसमें अगर हायरार्की आपको पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इंक्रीज में तो चाइना है पहले नंबर पे, चाइना, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा जो है यहाँ पे थर्ड जो देखा जाए थर्ड नंबर पे ये इंडिया है, इंडिया। अगर देखा जाए और तो फोर्थ नंबर पे चिली है, और उसके बाद फाइव नंबर पे वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है। तो ये सारा आपका थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फास्ट रिएक्टर ईंधन यानी कि पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, और ये तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया गया। फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्संस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब देखा जाए 1 जनवरी 2024 को सभी विभागों एवं सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दिया गया, और ये किसके द्वारा लगाया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लगाया गया कि कोई भी पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं खरीद सकते, सरकारी वाहनों के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं चला सकते हैं, नए खरीद पर रोक लगा दिया गया। अब भारत सरकार द्वारा मोर अभ्यारण घोषित किया गया, और ये कहाँ पे? यानी कि कर्नाटक के आदिचुन्नीगर, केरल के यानी कि चुन्नूनार को यहाँ पे घोषित किया गया, कर्नाटक एवं केरल के। केरल का अगर देखा जाए स्टेट पक्षी भी है और इंडिया का भी है एक तरह से। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर
परियोजना के लिए समझौता किया और $500 मिलियन का विश्व बैंक के साथ इसमें इसके तहत चार राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और ये जो मार्ग है यानी कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर का मतलब लॉन्च किया गया और $500 मिलियन विश्व के साथ पैसा लिया गया $500 मिलियन का और 721 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग बनाया जाएगा। और ये देखा जाए राजमार्ग बेसिकली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे। इसके बाद देखा जाए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी प्रदान की गई, दो टाइगर रिजर्व को विलय कर दिया गया। यह इस प्रकार का देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो गुरु घासीदास एवं तिमोर यानी कि पिंगला टाइगर रिजर्व यानी गुरु घासीदास एवं तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मर्ज कर दिया जाएगा। ये सबसे कह सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अब देखा जाए इसमें ये छत्तीसगढ़ का जो दो टाइगर रिजर्व है इनको विलय करने की मंजूरी मिला और देश का सबसे कह सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। और ये देखा जाए गुरु घासी दास और तिमोर पिंगला रिजर्व टाइगर रिजर्व को मर्ज किया जाएगा। इसमें देखा जाए क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस तरह कि लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो देखा जाए लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व का नाम बता सकते हैं इसमें कमेंट करके बता सकते हैं हम। सेकंड लार्जेस्ट जो है बता सकते हैं यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट देखा जाए नागार्जुन यानी श्री सलीम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में, और उसके बाद सिमलीपाल रिजर्व टाइगर उड़ीसा में था, लेकिन अब तीसरा ये गुरु घासीदास एवं तोमर यानी कि तिमोर पिंगला रिजर्व वन बन जाएगा। और सबसे पहला देखा जाए इसमें जो नागार्जुन सागर श्रीलम टाइगर रिजर्व है ये कह सकते लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सलीम टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में है। और इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट टाइगर और कितने टोटल टाइगर रिजर्व है अगर देखा जाए 55 टाइगर रिजर्व है। और ये देखा जाए नया जो टाइगर रिजर्व है धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व है वो क्या 55वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है में उच्च उपज देने वाली एवं जलवायु अनुकूल फसलों में से किस्म जारी किए गए, और एक किस्में देखा जाए 109 किस्में हैं जो जारी किया गया। और इसी के साथ नारियल के दो किस्म यानी कि कल्पा सुवर्णा जो छोटी प्रजाति के यानी कल्पा शताब्दी भी लॉन्च किया गया, और ये छोटे वैरायटी के 109 किस्में नई मतलब प्रजातियां लॉन्च किए गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT ने देश का पहला क्वांटम डायमंड यानी कि क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेज विकसित करने हेतु किसके द्वारा रणनीतिक साझेदारी किया, ये देखा जाए यानी कि टाटा मतलब कंसल्टेंसी सर्विस जो होता है TCS इसी के द्वारा साझेदारी किया गया और बॉम्बे IIT के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल से मिलकर देश की पहली स्वदेशी यानी कि जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल को विकसित किया गया। यह किस रोग के उपज से संबंधित है, ये कैंसर रोग के उपज से संबंधित है। टोक्यो जो विश्व यानी कि विद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची अटाकामा यानी कि वेधशाला जो है उद्घाटित किया, ये चिली में किया गया अटाकामा यानी कि टोक्यो के विश्वविद्यालय ने देश के विश्व की सबसे ऊंची अटाकामा वेधशाला उद्घाटित किया, ये चिली में किया गया। चिली का विश्वविद्यालय विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन विकसित किया गया, बायोडिग्रेडेबल पेन विकसित किया और भारत ने किया 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, ठीक है। चीन का चंद्र मिशन यानी कि चांग सिक्स जो है
चंद्र सतह पर नमूना लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा और ये आया 25 जून 2024 को। चांद के दक्षिण ध्रुव के एटिकेन बेसिन पर यान उतारने वाला एटिकेन बेसिन पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया कौन है? चीन, यानी कि दक्षिण ध्रुव के। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की मंजूरी प्रदान की? और चीन देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने की मंजूरी किया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना के पहले चरण कब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी क्षेत्र में एक बुनियादी स्टेशन का निर्माण किया जाता और वर्ष 2035 तक किया जाएगा स्टेशन, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी कि आलेंग, यानी कि कार्नोनेको, आलिंग कार्नोनेकोन है, रूस के हैं, 1000 दिन रहे। नासा की पहली चंद्र रेलवे प्रणाली जो है, चंद्र रेलवे प्रणाली यानी कि फ्लोट है, FLOT। अब देखा जाए ये नासा की पहली जो रेलवे प्रणाली है ये चंद्र, और इसमें देखा जाए अगर फ्लोट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं फ्लेक्सेबल यानी कि लिबिटेशन ऑन ए ट्रैक, यानी कि फ्लेक्सेबल लिबिटेशन ऑन ओशियन ए ट्रैक, फ्लेक्सेबल लिमिटेशन ऑन ए ट्रैक, ये बेसिकली फ्लोट का फुल फॉर्म है जो लासा के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। अब देखा जाए मई 2024 में पाकिस्तान द्वारा रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण यानी कि परीक्षण किया गया और प्रक्षेपण किया गया, फतेह सेकंड का किया गया। भारत का पहले निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि TSAT-1A बनाया गया। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे हम लोग दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष यानी कि कोरियो एरोस्पेस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोरियो एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम कासा नाम रखा गया, कासा, ठीक है। जापान द्वारा विश्व की पहली लकड़ी को सैटेलाइट विकसित किया गया इसका नाम है, यानी कि पहले लकड़ी की सैटेलाइट विकसित किया लिग्नोसैट, इसका नाम लिग्नोसैट है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पांचवा देश कौन है? जापान है, ठीक है। 6 जनवरी 2024 को भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया यानी कि लैंग्वेज पॉइंट वन को हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया यानी कि PSLV-C57 द्वारा। और हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा यानी कि लक्षद्वीप में स्थापित किया जाएगा, INS जटायु मतलब हिंद महासागर भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता वृद्धि के लिए नौसेना का एक नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया जाए और INS जटायु के द्वारा। मई 2024 में देश का पहला स्वदेशी यानी कि बम वर्षक यानी कि UAV विमान यानी कि FWD-200B का अनावरण किया जाएगा और ये बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। अब भारतीय सेना का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन यानी कि नागा शस्त्र फर्स्ट, यानी कि ये कौन है? भारतीय सेना का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है और नागा शस्त्र फर्स्ट है। नागा शस्त्र फर्स्ट का सफलता परीक्षण किया गया ये नुब्रा घाटी लद्दाख में किया गया। हाल ही में हैदराबाद के
अडाणी एयर एक्सप्रेस पार्क में पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि टेन स्टार लाइनर यानी मानव रहित हवाई यान का उद्घाटन किया गया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा किया। विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट शुरू किया है, यानी कि वारटशिला यानी कि फाइनलैंड ने किया। फाइनलैंड 100% जो था हाइड्रोजन तैयार इंजन बनाया गया है, यानी कि वारटशिला द्वारा फिनलैंड में। आयुर्वेद अनुसंधान एवं नवाचार में क्रांति लाने हेतु यानी कि प्रगति 2024 का शुरुआत किया गया, यानी कि CCRAS द्वारा किया गया। और ये बेसिकली, और आप लोग बेसिकली यहाँ पे जानते होंगे CCRAS का फुल फॉर्म, तो नहीं जानते हैं तो हम लिख दे रहे हैं, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी कि CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। विश्व का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया गया जापान में। 6G डिवाइस का अनावरण, पहली बार इंसान में सुअर के किसी भी अंग का सफल प्रत्यारोपण किया गया, अमेरिकी डॉक्टर द्वारा किया गया। ठीक है, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई गई, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी और LG के द्वारा बनाई गई। देश का पहला AI शहर बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा और ये लखनऊ बनेगा उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयुक्त यानी कि GT60SA को शुरुआत किया गया और जापान में किया गया। देश का पहला सोलर सिटी की शुरुआत यानी कि सांची मध्य प्रदेश में किया गया, सोलर सिटी की शुरुआत। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? और केरल में किया गया डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन। स्वदेशी जलवायु यानी कि पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया जाएगा IIT यानी कि पुणे के द्वारा किया जाएगा, पुणे के उदाहरण। आगे चलते हैं, इसमें पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को बाहर करने हेतु एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया गया और IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया। ठीक है, ग्रेन रोबोटिक कंपनी द्वारा विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंट्री ड्रोन यानी सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया और भारत द्वारा ये किया गया। अब आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहायता से जस्ट आस्क नाम से AI संचालन यानी कि चैटबॉट यानी कि पेश किया गया। जस्ट आस्क संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया गया। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जस्ट आस्क पेश किया गया। ओप्पो इंडिया द्वारा भारत की पहले PPP मॉडल यानी कि अटल टिक रिंग लैब स्थापित किया गया, कहाँ पे? त्रिशूर केरल में किया गया। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया, मीथेन ईंधन द्वारा, तो ये चीन में लॉन्च किया गया, चीन के द्वारा। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभियान यानी कि लॉक्ड शील्ड यानी कि 2023 का आयोजन किया गया, यानी कि तेलिन यानी कि इस्टोनिया में, यानी कि नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन यानी कि इस्टोनिया में किया गया। वह संस्थान जिसने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट यानी कि फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया IIT मद्रास ने किया। और एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल यानी कि लिक्विड मिरर यानी कि टेलीस्कोप का स्थापित किया गया, यानी कि देवस्थल उत्तराखंड में किया। विश्व के पहले इंट्रानेजल यानी COVID-19 वैक्सीन जो इन कोवैक को विकसित किया भारत,
यानी कि बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया, और ये मतलब कह सकते हैं नेजल वैक्सीन है, नाक से डाल के इसे इंट्रा नेजल वैक्सीन है, नाक से डाला जाएगा, इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और इनको वैक मतलब बनाया गया भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा। देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन यानी कि स्काइड वॉक को विकसित किया गया आईजी ड्रोन्स ने। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग हेतु भारत का पहला यानी कि नेशनल यानी कि एक्सीलेंस सेंटर यानी उत्कृष्ट यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय उत्कृष्ट का केंद्र जो है ये मुंबई में किया गया। देश की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया। इंटेलिजेंस यानी कि इम्यूनलाइजेशन लिमिटेड द्वारा भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम यानी कि हैबी श्योर रखा गया, हैबी श्योर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दूसरी पीढ़ी के आपदा यानी चेतावनी जो प्रेषित तकनीक को विकसित किया गया जो समुद्री मछुआरों और आपातकालीन संदेश भेजने के लिए स्वदेश तकनीक समाधान है यानी कि डैट एसजी द्वारा किया गया, डैट एसजी द्वारा। देश का पहला सर्वेक्षण यानी कि एसवीएल यानी कि पहला सर्वेक्षण जहाज यानी भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया संध्या किया गया। देश का पहला सर्वेक्षण ये सर्वेक्षण करें यानी कि संध्या के इसका नाम है संध्या सर्वेक्षण संख्या से रिलेटेड। वह राज्य जिसने आपदा चेतावनी प्रणाली यानी कि नीतीश डिवाइस लॉन्च किया, और नीतीश जानते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री उन्हीं के नाम पे कह सकते हैं, नीतीश डिवाइस बिहार में लॉन्च किया गया और ये आपदा चेतावनी प्रणाली है नीतीश। देश के 500 मेगावाट के पहले स्वदेशी यानी कि प्रोटोटाइप यानी कि फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है यानी कि FBR यानी कि फर्स्ट ब्रीडर जो यहाँ पर रिएक्टर है कोर लेडिंग की शुरुआत मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कलपक्कम में किया गया। और दुनिया का पहला यानी कि 3D प्रिंटिंग स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबम बाण यानी कि सनटेल अग्निबाण नौच यानी कि लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मास ने। DRDO ने SU-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया रुद्रम सेकंड का, यानी कि सिप्पी आप जानते हैं सिप्पी ने वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का चौथा स्थान प्रदान किया। पहले स्थान पे कौन है यानी कि सैन्य व्यय में सबसे ज़्यादा भारत है, चौथा सबसे बड़ा अमेरिका सबसे पहला है, ठीक है। और मतलब जो अब देखा जाए सिप्पी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो सिप्पी क्या है आप जानते होंगे। तो इसमें देखा जाए टॉप जो फोर्थ स्थान पर इंडिया है, तो इंडिया देखा चौथे स्थान पे। इसमें टॉप जो कंट्रियां हैं उनकी लिस्ट हम बता दें, पहला तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, दूसरा देखा जाए तो चाइना हो गया, और तीसरा देखा जाए रसिया हो गया, और उसके बाद देखा जाए फोर्थ कह सकते हैं इंडिया है, और यहीं पे कह सकते हैं हम लोग सऊदी अरब भी इसी के साथ है चौथे स्थान पर। तो ये बेसिकली सिप्पी के अकॉर्डिंग जो लिस्ट जारी होता है वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, ठीक है, और सिप्पी ही सब कुछ ये बनाता है, यानी कि सिप्पी का देखा जाए ये एक मतलब नाम क्या है यहाँ पे यानी कि स्टॉकहोलम, ठीक है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे नाम देख रहे हैं कि स्टॉकहोलम में है। ये क्या करता है यानी कि एनालाइज करता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन एंड वेपन डेवलपमेंट, रिसर्च आर्म लिमिटेशन रिडक्शन एंड डिसआर्ममेंट, ये सब स्टडी कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, प्रोवाइडिंग डेटा एनालिस्ट एंड
रिकमेंडेशन ऑफ डिसीजन मेकर यानी कि रिसर्च मीडिया एंड पब्लिक, और ये देखा जाए एक तरह से थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और 1966 में ये इसका मतलब बनाया गया, और ये हेडक्वार्टर आप जान ही रहे हैं तो स्टॉकहोल्म में ही है, ठीक है, और वहाँ पे नाम है तो स्टॉकहोल्म में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर स्टॉकहोल्म में है तो आप जान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, पानी के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया और उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली डेवलप किया और उत्तर कोरिया ने किया। असाल्ट राइफल उपग्रह विकसित किया गया DRDO को द्वारा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयर फील्ड का निर्माण किया गया, यानी कि न्योमो लद्दाख के द्वारा किया गया। विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड, यानी कि भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा का मुख्य लक्ष्य क्या है? पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना इसका प्रमुख लक्षण है, यानी कि मिशन तृष्णा। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा हैं, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले क्या है मतलब पर्यटक हैं या ट्रेवलर, इनको नासा ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर नियुक्त किया। और नासा ने डेविड यानी सल्वागिनी ने चीन ने अपने नए चंद्र मिशन यानी कि Chang'e 6 का लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दूर वाले हिस्से में नमूना इकट्ठा करना। यानी कि शोधकर्ताओं ने किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी यानी कि नॉक्टिक्स खोजा, और मंगल ग्रह में दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने हेतु तो नासा ने यानी कि Falcon 9 यानी कि रॉकेट में एक मिशन लॉन्च किया, जिसे हम लोग PACI मिशन भी बोला जाता है, PACI मिशन। इसरो के महत्वाकांक्षी यानी कि गगनयान मिशन ने पहले महिला रोबोट यानी कि अंतरिक्ष उड़ान भरेगी, जो व्योम मित्र के द्वारा किया गया, यानी कि ब्रह्मांडी घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार की सैटेलाइट यानी कि आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया, जिसे हम लोग चीन ने किया। इसरो ने PSLV यानी कि C-58 से देश का पहला एक्सरे यानी कि पोलेरियोमीटर यानी कि सैटेलाइट ExpoSat लॉन्च किया, और सतीश धवन यानी कि स्पेस सेंटर से किया देश का पहला ExpoSat। यानी कि इसरो ने GSLV-F12 के जरिए नौवहन उपग्रह का लॉन्च किया यानी VS-01। सिंगापुर की धरती अवलोकन उपग्रह जो टेल ईओस टू का लॉन्च किया गया भारत करेगा सिंगापुर की, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी कि जुपिटर आइस यानी कि मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया, और बृहस्पति पर। और चीन ने बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाया है, इसका नाम है BNS शेख हसीना नाम है, और वह यानी कि क्षुद्र ग्रह जिसे अब कह सकें 215,884 यानी कि जयंती मूर्ति के नाम से जाना जाएगा, और ये कह सकते 2005 AX-296 को जाना जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक अपने अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने यानी कि लक्ष्य निर्धारित किया? वर्ष 2030 तक। चिली के अटकामा रेगिस्तान में जो गया यानी कि अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा हमारी आकाशगंगा मिल्की में सबसे बड़ी तैराकी ब्लैक होल यानी कि BS-3 का पता लगाया, और शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के कह सकते हैं
चेंतमुली खाड़ी में स्थित विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल यानी कि विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की, जिसे हम लोग तामजा ब्लू होल कहा जाएगा। ठीक है, तामजा ब्लू होम इसे कहा जाएगा। तो आप देखा जाए हमने यहाँ पे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक वाला थोड़ा सा करंट अफेयर था ये कर लिए, और जो घटना चक्र वाला हम लोग डिटेल में किए हैं उसको दोनों का अगर मिला लिया जाए तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।